देखो दोस्तों ये है नली, और सॉरी मतलब ये है लली। तो मतलब मेरा मर्द का फेस मास्क लगा, जैकेट पहन ली, मैं करके दिखा दिया है। हमारे चाचा हंसने लग गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। अभी मैंने पूजा पाठ भी सब कुछ कर दिया है, और आज मेरी माँ बना रही है मेरे भाई का, मैंने तो बहुत बार खा रखा है पर मेरे भाई का फेवरेट नाश्ता बन रहा है आज। तो अभी चलते हैं किचन में। तो बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि कद्दू के फूल की रोटी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कद्दू की बेल से फूल लाने पड़ते हैं। तो फूल लाने के बाद जो ये वाले हिस्सा होता है फूल के ऊपर, इसको हटा दिया जाता है, और फूल को इस तरीके से निकाला जाता है, और फिर इसको धोया जाता है। उसके बाद लिया जाता है थोड़ा सा आटा, और जो फूल हैं उसको इस तरीके से तोड़ के आटे में डाला जाता है, और फूल और आटे को फिर मिक्स किया जाता है। और फूल को आटे में डालने के बाद इसके बाद इसमें डाला जाता है नमक, और फिर नमक डालने के बाद इसमें डाला जाता है मिर्ची पाउडर, और फिर इन सबको किया जाता है मिक्स। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, और फिर इसको मिक्स करने के बाद इसका इस तरीके से पेस्ट बन जाता है। और उसके बाद गैस के ऊपर लगा दिया जाता है तवा, और तवे में डाल दिया जाता है तेल, और तेल जब गर्म हो जाए और फिर डाल दिया जाता है जो हमने कद्दू के फूल और आटे का पेस्ट बनाया था उसको, और फिर उसको इस तरीके से फैलाया जाता है, और फिर उसको पलट दिया जाता है, और फिर दूसरी तरफ भी तेल डाल दिया जाता है, और फिर ये बनके इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से बनाई जाती है कद्दू के फूल के पत्तों की रोटी। और अभी मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है, तो अब बुलाते हैं अमन को नाश्ता करने के लिए। और अमन खा रहा है माँ के हाथ की बनी हुई कद्दू के फूल की रोटी, और इसकी मुझे सबसे अच्छी आदत ये लगती है कि ये नीचे बैठ के खाना खाता है, और हम वहाँ पे खाना खाते थे। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, तो घमंड तो कम है। तो बोलिए जमीन से जुड़ा हुआ लोग है, पर ये तो नीचे तो टाइल्स है। इन्होंने मुझे थाली भी नहीं दिए गाइस, पता नहीं किस चीज के ढक्कन में दे दिया है खाने के लिए। तो अमन को खाना दिया था मम्मी ने, तो मम्मी ने अपने बेटे को थाली नहीं दी। मेरी मम्मी अमन के साथ बहुत नाइंसाफी करती है, और अमन के साथ बचपन से ही नाइंसाफी होती आ रही है इस घर में। थोड़ा थोड़ा बेइज्जती महसूस होने लग गई है, लगता है एक दो दिन में ही जाना पड़ेगा यहाँ से। अब अमन जल्दी चला जाएगा। और अभी हमने नाश्ता वगैरह भी सब कुछ कर लिया है, थोड़ा बहुत काम रह गए थे मेरे, वो भी मैंने निपटा दिए हैं। और इसके साथ ही मेरी माँ चली गई है जंगल, और इसके पास अपना तो कुछ नहीं है, और अब आ गया है घर। तो अब मेरी क्रीम, फेस वॉश जितना भी है सब खत्म करके जाएगा ये, और बोल रहा मैंने बल गोरा हो जाना बल इससे। गोरापन आता है कि नहीं, वरना तो हमारा साबुन ही ठीक है 10 रुपए वाला। तो अभी देखते हैं अमन गोरा होता है या नहीं होता है, वरना मामा अर्थ वालों को अपना फेस वॉश चेंज करना पड़ेगा। मैं इसका रिव्यू करूंगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और देखिए जी, जिसके ऐसे भाई हैं उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। एक ने तो सारा सुबह से फेस वॉश और क्रीम वगैरह लगा के सब खत्म कर दिया। दूसरा आया है, उसने मेरी जैकेट पहन ली। न मेरे कपड़े चाचा आजकल छूट रहे, और आजकल क्रीम पाउडर भी सब लगा दिया मेरे भाई ने। सुबह से मैंने चाचा को बोला था, सुबह 8 बजे मैंने चाचा को फोन कर दिया था आना, और 8 बजे फोन करने के बाद चाचा अभी आ रहे। देखो दोस्तों ये है नली, और सॉरी मतलब ये है लली। भाई मैं नल्ला तो नहीं हूँ ना, मेरा काम है, सुबह उठता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, वीडियो अपलोड करने कहाँ जाता हूँ पता नहीं तुझे, तुझे क्या पता होगा। तुम्हारा ठीक है, बन रहा है अंदर अंदर कंटेंट भाई साहब। और अभी संतो आ गया है फिर। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि संतो की आंख बल खराब है, तो उसे मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसकी आंख खराब नहीं है। अरे वो पर्सनल भाई से है भाई। इसके जो चश्मे हैं वो शौक के चश्मे हैं। आज मेरी मम्मी ने बनाई थी अमन और चाचा के लिए रोटी। मम्मी को पता चला था कि चाचा के बल फूल की रोटी बहुत फेवरेट है, दादी ने बताया था, तो मम्मी सुबह से इंतजार कर रही थी, पर चाचा तो आए नहीं। फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि मैं तो जा रही हूँ जंगल, और जब चाचा आएंगे तो खिला देना उन्हें। कैसे लग रहा चाचा? ये बढ़िया लग रहा। माँ कसम इसकी हरकतें पता नहीं कब बंद होगी। अभी तक मेरे कपड़े और अब हेयर बैंड, वो भी बिट्टू का है, वो बिट्टू का छूट रखा हो यहाँ। बड़ा हो गया पर दिल तो बल इसका बच्चा है। और अभी आ गया है अमन, संतु का रूममेट। तो इन दोनों को देख के मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोनों हॉस्टल में रूममेट थे जब अमन का फोन नहीं लगता था,
या अमन फोन नहीं उठाता था तब मैं फोन करती थी संतु को, ये भी फोन नहीं उठाता था। तभी भी है, अभी हमारे बड़े भाई साहब है वहाँ। अमन ने लगाया था आज मेरा फेस वॉश और आज अमन बिल्कुल चमक रहा है, भयंकर गोरा लग रहा है अमन आज। उसके दाने हो गए गाइस, मैं तेरे लिए बेकार फेस वॉश है। तो मामा अर्थ के फेस वॉश अमन ने वही आज फेस वॉश है वो, मतलब है घर उसे मामा मर्द तो मतलब मेरा मामा मर्द का फेस वॉश लगाया मामा मर्द का फेस वॉश ही लगाती हूँ मैं। और अभी तक हेयर बैंड पहन रखा था संतु ने और अब पहन लिया है अमन ने। आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, कुछ अमन के हैं और कुछ मेरे हैं, और इधर भी पूरी छत भरी हुई है। अभी टाइम हो रहा है दिन के खाने बनाने का, तो पहले दिन का खाना बना लेते हैं। दिन के खाने में मैं आज बना रही हूँ भटका चौंसा, यानी कि हमारे यहाँ इसे बंडवाणी बोला जाता है और भटका चौंसा भी बोला जाता है। सबसे पहले तवा रखा जाता है और तवे के ऊपर डाले जाते हैं भट, और हिंदी में इसे सोयाबीन भी बोलते हैं, पर हम हिंदी में क्यों बोलें, हम तो गढ़वाली में ही बोलेंगे, इसीलिए अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं भट। तो पहले इसे भून लेते हैं। और अभी अमन आया है तो कुछ दिन तक अमन की पसंद का खाना बनेगा। और भटका चौंसा वैसे भी मुझे, मेरे पापा और अमन को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी बहन को भी, मम्मी को थोड़ा सा ओके ओके लगता है, इतना पसंद नहीं है, पर हम चारों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और भटकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सर्दियों में जब खांसी वगैरह होती है तो ये दवाई के काम भी आता है, तो इसलिए इसको बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने इसे भून दिया है, अब इंतज़ार करते हैं इसके थोड़ा सा ठंडा होने का। मैंने अपना चैनल मोनेटाइज करवाया था चाचा से, खुलवाया था चाचा से, तो आज गूगल एडसन अप्लाई कर रहे हैं चाचा और अमन, तो ये लगे हैं यहाँ पे मेरा गूगल एडसन अप्लाई करने में। मुझे अच्छा लगता है चाचा के हाथ से अपना मोनेटाइज करवाना और गूगल एडसन वगैरह अप्लाई करवाना, सब कुछ मैं चाचा से ही करवाती हूँ, और मुझे इस चीज़ में बहुत खुशी होती है कि मैं नहीं कर रही हूँ, चाचा कर रहे हैं, क्योंकि चाचा ही एक ऐसे पर्सन है जो मुझे हर जगह से सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं चाहती हूँ कि चाचा के हाथ से ही ये शुभ काम हो, तो चाचा ही कर रहे हैं। और अभी जो मैंने भट रखे हुए थे ठंडे होने के लिए, वो ठंडे हो गए हैं, और इसमें मैंने चढ़ा रखे हैं चावल। और पहले के लोग सिलवट्टे में इसे पीसते थे, क्योंकि सिलवट्टे में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और मेरे को तो मिक्सी में भी इसका टेस्ट सेम ही लगता है, मुझे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। तो अभी पहले मैं इसको सबसे पहले पीस लेती हूँ। तो अभी मैंने इसका पाउडर भी बना दिया है, और साथ में प्याज टमाटर मिर्च वगैरह भी सब कुछ काट दी है। बनाने का प्रोसेस तो इसका सेम ही रहता है, बस जब प्याज टमाटर पक जाए उसके बाद इसका जो पाउडर है वो डाल दिया जाता है, और हल्की आंच में थोड़ी देर तक इसे भूना जाता है। और सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है इसे बनाने का, पर मेरा जो तरीका है वो मुझे सिखाया है मेरे पापा ने। मैं इसमें मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे पापा का ये मानना है कि इसमें मसाले डालने के बाद इसका टेस्ट खत्म हो जाता है, तो हम इसमें मसाले नहीं डालते हैं, और उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मतलब भट का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो इसीलिए हम इसमें मसाले नहीं डालते हैं। ये बनाना मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। और अभी हमारा चौंसा भी बनने ही वाला है, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप इसको भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करते हो, समय थोड़े टाइम तक करछी चलानी चाहिए, क्योंकि तब इसमें जो गोले हैं वो नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से बनाया जाता है भटका चौंसा। और अभी मेरी मम्मी भी आ गई है जंगल से, तो अभी अमन और चाचा लग रखे हैं गूगल एडसन अप्लाई करने में, और आज आ रखा है अमन, और अमन मुझसे अमीर है, इसे घर वालों ने लैपटॉप दे रखा है, और मेरे को कुछ नहीं दे रखा है। और गूगल एडसन तो जब अप्लाई होगा तब होगा, पर अभी हो गया है खाना खाने का टाइम, और मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने चाचा और अमन को बोला कि पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो अभी इनके लिए मैं खाना रख देती हूँ। और आज हमने बना रखा है पहाड़ी स्पेशल लंच, जिसमें है लाल भात जो मामा के यहाँ से लाए थे, ककड़ी, और चाचा के यहाँ के दूध की दही। चाचा कैसे लग रहा है अपने यहाँ की दही खा के? अरे लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ भाई, मेरे नाम से किसी ने अभी मेरा नाम का फेक पेज बना रखा है इंस्टाग्राम पे, और 4000 रुपए मांग रहे हैं। लोगों भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं, यार आपका ब्लॉग हम डेली देखते हैं, आपने तो ब्लॉग में ऐसा कुछ बोला नहीं। तो मैं लली के ब्लॉग में बोलता हूँ कि देखो मेरे नाम से फेक पेज बन रहे हैं, और मेरे नाम से 4000 रुपए मांग रहे हैं, कोई मत देना भाई, मैं किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ। तो ऐसा मत क्या करो यार, चाचा का आज जब से चाचा ने ये सब कुछ देखा तब से चाचा का दिमाग खराब हो रखा है, पूरा मूड खराब हो रखा है चाचा का। चाचा इतने हंसाते हैं और सबको हंसाते हैं, और खुद का आज चाचा का मूड खराब है।
और अभी चाचा भी चले गए हमारे यहाँ से, ठीक है बाय टाटा बाय। अभी चाचा भी चले गए हैं, हमने खाना भी खा लिया है, तो चाचा का मूड हो रखा है भयंकर खराब। अभी मैंने करा है अमन और शुभम को फोन कि चाचा का थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर दी, चाचा ना हंस रहे हैं और चाचा इतने भयंकर यार, हर किसी को लगता है उस बंदे ने मेहनत करी है, सब चीज करी है, और उसके बाद अगर कोई ऐसा आए तो अभी मैंने फोन कर रखा है अमन को, अमन और शुभम जब आएंगे तो हो सकता है चाचा का मूड वो ठीक कर दें, क्योंकि मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है चाचा का मूड ठीक करने की। और अभी अमन और शुभम भी आ गए हैं, तो चाचा का मूड ठीक कर लो यार, चाचा को भयंकर टेंशन हो रही है। टेंशन तो होनी है, इतनी साल की मेहनत है, उसके पीछे कोई और खा रहा है तो टेंशन नहीं होगी तो क्या। तो तुम लोग थोड़ा सा ठीक कर लो यार, चाचा ना ब्लॉग बना रहे ना कुछ कर रहे, चाचा सीधे एकदम से बैठ रखे हैं। अभी कर रहे हैं कोशिश, जादू मंत्र कर रहे हैं, खुश हो जाएंगे चाचा। चाचा क्या बोले गाइस, हम भी हमें खुद ही बुरा लग रहा है कि ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे लोग ना वो गाली देने का मन कर रहे हैं उन्हें सीधे, क्या करें, ऑन कैमरा हम गाली नहीं दे सकते हैं। बात बात आगे मैसेज करके बहुत सारी गाली दे दी हमने उसे, हमको खुद ही बुरा लग रहा है गाइस, इसीलिए क्या करें। मैंने इतना टाइम से मैं करने की सोच रही थी, अभी मैंने करके दिखा दिया है, हमारे चाचा हंसने लग गए। कैसा लग रहा है? नहीं किया तो आप लोगों ने है, इसके लिए धन्यवाद आपका। बाथरूम में जा रही थी बाहर, बाथरूम इतना प्यारा जाता इंसान ऐसा। तो आप सभी का धन्यवाद, चाचा के खिलाफ जो आईडी बनी थी वो खिलाफ मेरे सपोर्ट में थी, वो 4,000 मांग रहा था साहब, मैंने ज्यादा मांगे यार, इतने से क्या होगा। नहीं सच्ची यार, चाचा पैसे कम मांगे उसने, नहीं इसे बुरा लग रहा था बस। चलो यार ऐसे नहीं, गलत चीज को मत सपोर्ट किया, ठीक है आपने रिपोर्ट मार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद यार। और अब हमारे चाचा मुस्कुराने लग गए, बोले चाचा पता कैसे बैठ रखे थे, चाचा मुंह बनाना थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं कि फेस फेस स्माइल है उस टाइम, तो चाचा एकदम सीरियस हो रखे थे। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे चाचा के मुंह पे स्माइल लाने के लिए। हंसो थोड़ा, दांत दिखाओ, दांत दांत, अलिये आ गई है अमालिया, अब आगो हाय कर दो। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।